अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी पोर्शन हमने करना है जो कि प्रीपोजिशन के ऊपर है। तो आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक के जाने। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। तो आज हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन को उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। अगर इसके मीनिंग के साथ अगर स्टार्ट करें तो प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री पोजिशन, द वर्ड प्री मीन्स बिफोर, प्री का मतलब है पहले, और पोजिशन मीन्स प्लेस या पोजिशन। तो इसके मीनिंग से जाहिर होता है कि सो द प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नोन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नोन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी डिफिनेशन से हमने इतना मतलब समझा कि प्रीपोजिशन क्या है। तो अभी बढ़ते हैं डिटेल डेफिनेशन के साथ। तो डिटेल डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जो नोन और प्रोनोन को दूसरे वर्ड्स के साथ मिलाता है। तो डेफिनेशन करते हैं, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज टू कनेक्ट नोन और प्रोनोन विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसे उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, ऑन, इन, एट, बिफोर, अंडर, आफ्टर, इनटू, ऑनटू, टू, अबव, फ्रॉम, ईटीसी। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, प्रीपोजिशन की। अब हम इनको सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे कि प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स हैं। तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पर। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन तीन हैं। तो हम ये कहेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, while second one is preposition of place, and then third one is preposition of direction. तो ये तीन टाइप्स हैं प्रोनोन की, सॉरी प्रीपोजिशन की। उसके बाद बढ़ते हैं कुछ सेंटेंस की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, वी वेंट टू लाहौर, हम लाहौर गए। तो टू इज़ अ प्रीपोजिशन। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है, नीचे बैठी है। तो अंडर इज़ प्रीपोजिशन। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल के ऊपर है, मेज़ के ऊपर है। ऑन इज़ प्रीपोजिशन। द डॉग इज़ इन द रूम, कुत्ता रूम में है। इन इज़ प्रीपोजिशन। द बट इज़ ऑन द ट्री, द बट इज़ ऑन द ट्री, परिंदा जो है दरख्त के ऊपर है। ऑन इज़ प्रीपोजिशन। आई सेज यू आर एट होम, मैंने कहा तुम घर पर हो। एट इज़ प्रीपोजिशन। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। फ्रॉम इज़ अ प्रीपोजिशन। तो इस तरह के कंसेप्चुअल और ईजी तरीके से इंग्लिश को सीखना और अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।